एलजेपी पर कब्जे को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। चिराग पासवान की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पशुपति पारस के खिलाफ दाखिल की है याचिका। सांसद वरुण गांधी को नहीं मिली कैबिनेट में जगह। मां मेनका बोली, कितनों को जगह देंगे पीएम, मंत्री बनने का होता है सबका अरमान। गुजरात के अखबारों में दिल्ली सरकार के विज्ञापन। अखबारों में की आपकी तारीफ। राज्य के विधानसभा चुनाव पर आपकी नजर। उत्तर प्रदेश में अकेले 150 सीटों पर ताल ठोकेगी वीआईपी। बिहार में रहेगी एनडीए के साथ। निषाद समुदाय ने की आरक्षण की मांग। सौरभ गांगुली की सियासी पारी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, अगर टीएमसी से सांसद बनाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। पीएम मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। फिर गर्मा सकती है उत्तराखंड की सियासत। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। कैबिनेट विस्तार के बाद नाराज हैं हरक सिंह। सीबीएसई के 10वीं के छात्रों को लेकर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। विद्यार्थियों के अंकों की गणना से संबंधित याचिका पर सुनवाई को तैयार दिल्ली हाईकोर्ट। महामारी के नियमों का उल्लंघन। उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल में अब केवल 50 पर्यटकों को अनुमति। आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं पर्यटक। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वालों को राहत। कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने आज भी जताया बारिश का अनुमान। अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा अभियान। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे मामले को लेकर कई खुलासे। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे 26 कोलंबियाई, 2 अमेरिकी। महामारी को लेकर यूएस CDC FDA का दावा, जो अमेरिकी पूरी तरह वैक्सीनेट हैं उन्हें इस समय बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO से मंजूरी। मुख्य वैज्ञानिक ने कहा, अंतिम चरण का डाटा अच्छा। पूर्व एस्ट्रोनॉट और नासा के प्रमुख बिल नेल्सन का बयान, ब्रह्मांड में है एलियन, एक दिन होगा संपर्क। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट पर खुला बाजार। 193 अंक लुढ़का सेंसेक्स। निफ्टी 61 अंक गिरा। डीजल के बढ़ते दामों का असर। देश में 40% महंगी हुई सब्जियां। फल सब्जियों पर माल भाड़े में 25% का इजाफा। दिल्ली विधानसभा की कमेटी के सामने FB को होना होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट बोला, फेसबुक का रोल देखना जरूरी। आज होगी अभिनेत्री कंगना के खिलाफ हुई कॉपीराइट उल्लंघन केस की सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। पूर्वोत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश और बिहार के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। रेलवे ने गाड़ियों को रोजाना चलाने का फैसला लिया।